मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के संजय नगर में स्वास्तिक डेयरी की दुकान में कोई शख्स हर रोज दिन में करीब 3 से 4 बार पत्थर मारता है। यह सिलसिला कई दिनों से जारी है, वो भी कोई छोटे पत्थर नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थर दुकान में फेंका जाता है। डेयरी मालिक सुनील कुमार ने बताया है कि कई बार वो पत्थर लगने से बच चुके हैं और इसकी शिकायत भी उन्होंने मुमरा पुलिस में की है। डेयरी मालिक का यह भी कहना है कि बड़ी ही फुर्ती के साथ पत्थर मारकर निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कि आखिर ये पत्थर किसने फेंका है। हालांकि इतना जरूर उनका कहना है और इशारा भी किया है कि दूध का उनका कारोबार है और शायद कंपटीशन की वजह से कोई है जो उनके दुकान में पत्थर मार रहा है। सर, आपका नाम क्या है और आपने क्या पुलिस स्टेशन में तकरार की है? मैं सुनील कुमार यादव, सन ऑफ हरिशंकर यादव, स्वास्तिक डेयरी संजय नगर में चलाता हूँ। मेरी दुकान में लगभग 1 महीने से कंटिन्यू 24 घंटे में 5-6 बार पत्थर मारा जाता है, दुकान खुली रहने पर भी और दुकान बंद होने के बाद भी। और इसी बात का मैं तहरीर दिया हूँ यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन में। आपको किसी के ऊपर शक वगैरह है? शक तो नहीं है, बशर्ते पत्थर तो सामने से ही आता है। ठीक है, ये कभी कभी से चालू है? लगभग 1 महीने हो गया, लगभग 1 महीने। किस कारण आ रहा है कुछ इसकी आशंका आपको? बस एक देश, बस देश देश। किस चीज का देश? धंधे पानी में जो कंपटीशन होता है और बड़े-बड़े पत्थर भी तो मारते हैं। हाँ, बड़े पत्थर भी मारते हैं, छोटे पत्थर भी आते हैं। 2-3 बार ऐसे ऐसे पत्थर गिरे हैं, मैं बाल बाल बचा हूँ। और मुझे कुछ हो गया, दुर्घटना बाई चांस हो गई, कोई हादसा हो गया, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बच्चे हैं आप? हाँ, 1 महीने से ऐसा हो रहा है। हाँ, लगभग 1 महीने। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से हमारे जान माल की सुरक्षा करे और क्या। आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में एनसी किया हुआ है? हाँ, एनसी किया है।